नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का ऑटो एक्सपर्ट्स पर। इंडियन रोड्स की ट्रैफिक को देखते हुए एक एसयूवी बायर को रियलाइज होता है कि डेली यूज के लिए एक मिनी कार हो जो ट्रैफिक को चीरते हुए आगे चली जाए। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने डेली यूज के लिए बनी 5 सबसे बेस्ट मिनी कार्स या कहें कि स्मॉल कार्स हमने कवर की हैं जो सबके बजट में फिट होगी। ये 5 अमेजिंग इलेक्ट्रिक एंड आईसी स्मॉल कार्स बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन अपकमिंग स्मॉल कार्स में क्या खास है। नंबर 5 पर है PMV eas-e कार। दोस्तों, मुंबई बेस्ड एक कंपनी PMV इलेक्ट्रिक अपनी पहली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार 16 नवंबर को लॉन्च करेगी। कंपनी का कहना है कि इसका अभी प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और जल्द ही वो कार्स का प्रोडक्शन भी शुरू कर देंगे। कंपनी का मकसद इंडिया में ईवीज को बढ़ावा देना है और इन्होंने अपनी इस मिनी इलेक्ट्रिक कार को ऐसे ही एवरीडे यूज के लिए डिजाइन किया है। इसके डायमेंशंस और वेट कम होने से एकदम कॉम्पैक्ट कार ही बन जाती है, जो सिटी में ट्रैवल करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो 10 किलोवाट आवर की लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी इसमें मिलेगी, जो चार्ज होने में 4 घंटे का समय लेगी, और 15 किलोवाट की PMSM इलेक्ट्रिक मोटर इसमें आएगी, जो 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस कार को देगी। ये कार 3 वेरिएंट्स के साथ आएगी, जिसमें वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग 120 से 200 किलोमीटर तक की रेंज इसमें मिलेगी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, USB चार्जिंग पोर्ट, एयर कंडीशनिंग, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, रिमोट कीलेस एंट्री के साथ और भी कुछ फीचर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एवरीडे यूज के लिए जितने भी फीचर चाहिए वो सारे यूजफुल फीचर्स कार में मिलेंगे। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 4 से 5 लाख रुपए हो सकती है। नंबर 4 पर है MG Air EV। दोस्तों, वूलिंग नाम वाली कंपनी की एक कार जो वूलिंग एयर ईवी नाम से इंडोनेशिया में बेची जाती है, लेकिन अब बहुत ही जल्द इंडिया में ये मिनी कार MG कंपनी के नाम के टैग के साथ जून 2023 तक एंट्री लेगी। इस 2-डोर 4-सीटर मिनी कार में 40 BHP की पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी और 20 से 25 किलोवाट आवर तक की लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी मिलेगी, जो 150 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज ऑफर करेगी, और ये बैटरी चार्ज होने में लगभग 5 घंटे का समय लेगी। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिंथेटिक लेदर सीट्स, कनेक्टेड कार टेक, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग कैमरा जैसे बेहतरीन फीचर्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। वैसे इस कार को देख के लगता नहीं कि इतने सारे फीचर इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका लगती है। तो अल्टो से भी छोटी ये कार उन लोगों के लिए बेस्ट साबित हो सकती है जो इंडियन रोड्स की ट्रैफिक को देखते हुए डेली यूज के लिए एक छोटी ईवी का इंतजार कर रहे हैं। MG Air EV की एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है। बाकी तो इसके मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा कि ये मिनी कार वाकई में दमदार है या नहीं। नंबर 3 पर है सिट्रोन C3 EV। दोस्तों, हाल ही में इस कंपनी ने एकदम अफोर्डेबल प्राइस में अपनी कार सिट्रोन C3 को लॉन्च किया था और अब बहुत ही जल्द इसका ईवी वेरियंट भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इस हैचबैक के स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें परमानेंट मैग्नेटिक सिंक्रोनस मोटर आएगी, जो 135 हॉर्स पावर और 236 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। बैटरी की अगर बात करें तो 40 किलोवाट आवर और 50 किलोवाट आवर के दो बैटरी ऑप्शन इसमें आएंगे, जो 250 से 350 किलोमीटर तक की शानदार रेंज ऑफर करेंगे। इस कार में ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई फीचर मिल जाएंगे और 315 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी इसमें मिल जाएगा। फीचर्स और लुक के मामले में तो ये ईवी अपने आईसी वेरिएंट से ऑलमोस्ट सिमिलर ही होने वाली है। दोस्तों, ये एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार होगी तो इसके और टाटा टियागो ईवी के बीच हमें एक टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। इस कार की एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख रुपए के आसपास है और 2023 के स्टार्टिंग मंथ्स में ये लॉन्च होने की संभावना है। नंबर 2 पर है Hyundai Nios Grand i10। दोस्तों, इसका फेसलिफ्ट वर्जन 2023 तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। साउथ कोरियन ऑटोमेकर Hyundai की एक पॉपुलर हैचबैक कार है जो एकदम बजट में शानदार लुक और परफॉर्मेंस ऑफर करती है। इसके इंजन ऑप्शंस पहले की तरह एकदम सेम ही होंगे, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन एंड CNG फ्यूल ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। इसी के साथ कार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में अवेलेबल होगी। इसमें मैकेनिकली ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसके डिजाइन लैंग्वेज में और फीचर्स में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। न्यू इंटीरियर थीम, न्यू अपहोल्स्ट्री, अपडेटेड ग्रिल और LED DRL जैसे माइनर चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। ग्रैंड i10 Nios की स्टार्टिंग एक्सशोरूम प्राइस 5.43 लाख से 8.45 लाख रुपीज तक जाती है और अपडेटेड ग्रैंड i10 के प्राइस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे। नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसका न्यू जनरेशन दिसंबर मंथ में ग्लोबली डेब्यूट करेगा और जनवरी 2023 के ऑटो एक्सपो में ये शोकेस किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये मारुति स्विफ्ट 1.2 लीटर नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ साथ माइल हाइब्रिड ऑप्शन में भी आएगी और साथ ही 1.4 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल मोटर भी इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिल सकती है। तो काफी मैकेनिकल चेंजेस नई स्विफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। इस बार नया स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक जैसे स्मार्ट फीचर से इस कार को अपडेट किया जा सकता है।
इन सब के साथ इसके डोर हैंडल जो सी पिलर्स पर दिए जाते थे वो इस बार डोर पर ही दिए जाएंगे। और रूफ माउंटेड रियर स्पॉइलर, फॉक्स एयरवेंट ऑन व्हील आर्चेस जैसे चेंजेस के साथ इसकी मटेरियल क्वालिटी, फिट एंड फिनिश को भी इम्प्रूव किया जाएगा। न्यू जनरेशन स्विफ्ट करंट मॉडल से थोड़ी सी लंबी होगी और इसका फ्रंट फेस पूरी तरह से रीडिजाइन किया जाएगा, जिसमें फ्रंट ग्रिल और हेडलैम्प्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि मारुति सुजुकी अब टाइम के साथ आने वाली मॉडर्न डिमांड्स को समझ चुकी है और अपने टिपिकल और ओल्ड इमेज को कंपनी एकदम रीडिजाइन कर रही है। इनके इस न्यू एंड मॉडर्न इमेज की झलक हम नई ब्रेजा और ग्रांड विटारा में देख चुके हैं। न्यू जनरेशन स्विफ्ट की स्टार्टिंग एक्सशोरूम प्राइस 6 लाख रुपए हो सकती है। तो एकदम स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट कार लवर्स के लिए ये 5 बेस्ट ऑप्शन बहुत ही जल्द इंडिया में अवेलेबल होंगे। व्हीकल से जुड़े बेस्ट ऑप्शन अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑटो एक्सपर्ट के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों राइमिंग सही नहीं है लेकिन चैनल बहुत सही है बॉस, तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट भी करना। तो आज का साथ यहीं तक का था दोस्तों, टाटा बाय बाय, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।